नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश, आप देख रहे हैं फ्री में सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ टूल्स के बारे में। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते रहते हैं, सर टूल्स के बारे में कुछ बताइएगा, टूल्स कैसे चलते हैं, क्या होता है, इस बारे में स्टेप बाय स्टेप बताइएगा। देखिए मैं आपसे एक बात बता दूँ, टूल्स के बारे में मैंने पहले ही बेसिक फोटोशॉप की एक सीरीज बना रखी है। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो ये सब बातें पूछते हैं, तो मैं उनसे बोल दूँ कि आप पहले उस बेसिक फोटोशॉप की सीरीज जो है जाके देख लें। आप सर्च कर लें, पहले मेरा चैनल सर्च कर लें, उसके बाद प्ले लिस्ट में जाने के बाद वहाँ पर आप देखें बेसिक फोटोशॉप की एक सीरीज है। वहाँ पर जाकर मैंने सारे टूल्स के बारे में समझाया हुआ, सब कुछ बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में कुछ बताना चाहता हूँ आपको। टूल्स कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, किस टूल पर किसका मूव होता है, ये आप कैसे पता कर सकते हैं, तो इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। छोटी सी वीडियो है, प्लीज़ इसको पूरा वॉच कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, वरना स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो लाइक कर दें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। नए चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके वहाँ से फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो फाइनली आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज हम बात करने वाले हैं कुछ टूल्स के बारे में। देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी वीडियो जो है टूल्स की बना रखी हैं, बहुत सारी वीडियो में अपने टूल्स की बेसिक फोटोशॉप में सब कुछ मैंने बता रखा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग कमेंट्स करते रहते हैं जो कि अभी हाल ही में हमारे चैनल से जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं। वो लोग बहुत सारे कमेंट्स करते रहते हैं कि सर टूल्स के बारे में समझाइए, कौन सा टूल कहाँ सेट होता है, किस तरह से होता है, कैसे यूज़ होता है, तो बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं। तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना दूँ टूल्स के बारे में। तो आज मैं बात करूँगा कुछ टूल्स के बारे में। सबसे पहले कंट्रोल एन करके एक फ़ाइल ले लेता हूँ मैं, न्यू, कंट्रोल एन करके आप फाइल ले सकते हैं। और अब बात करेंगे हम टूल्स की। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप विंडो में जाएंगे तो यहाँ पर लिख रहा है टूल्स, ये टूल्स हैं। अगर आपके नहीं आ रहे हैं तो आप यहाँ से शो कर सकते हैं ना, आ जाएंगे टूल्स, ये हमारे टूल्स हैं, ठीक है। तो अभी हम इनको यूज़ कैसे कर सकते हैं, देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप नए हैं यानी कि अभी आप फोटोशॉप को चलाना नहीं जानते हैं, तो आप मेरे कहने के मुताबिक आप ये करिएगा, अब टूल बार को खोल लीजिएगा, क्योंकि इसे खोलने से आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। आसानी क्या हो जाएगी, अब ये सारे टूल दिख रहे हैं हमें सामने, यहाँ पर यही टूल हमारे इन बटनों पर सेट होते हैं, जैसे कि ABCD, इन पर सब सब पर सेट होते हैं यही टूल, लेकिन वो आपके लिए तब सही है जब आप परफेक्ट हो चुके हो। लेकिन अभी अगर आप नए हैं तो आप उनको ना देख कर आप यहाँ पर देख लें। देखिए एग्ज़ाम्पल फॉर, जैसे कि मैंने मूव टूल सेलेक्ट कर रखा है, तो इसका जो मूव है यानी कि जो ये जिस बटन को दबा के सेलेक्ट होता है, देखिए मैं भी दिखाता हूँ, ये आ रहा है मूव टू, मूव टूल वी, यानी कि पहला आ रहा है मूव, उसके बाद आ रहा है टूल और उसके बाद आ रहा है वी, देखिए वी, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये टूल को जो है, इस टूल को जो है वी पर मूव करा गया है, ठीक है, वी पर सेलेक्ट करा गया है। तो अब जैसे कि ये है, देखिएगा पहले इस टूल का नाम आ रहा है, जो भी नाम है, उसके बाद टूल इसको एम पर सेलेक्ट करा गया, ठीक है, ये साफ बता रहा है। उसी तरह से इस पे आ जाते हैं, देखिए लास्ट टूल आ रहा है, ये एल पर इसको सेट करा गया है। मैजिक बैंड टूल आ रहा है, ये डब्ल्यू पर सेट करा गया है। क्रॉप टूल आ रहा है, ये सी पर सेट करा गया है। जितने भी ये टूल हैं सारे, इनको बताया गया है किस पर सेट करे गए हैं, ए पर, बी पर, सी पर, डब्ल्यू पर, जेड पर, जिस भी चीज़ पे। अब देखिए जैसे कि ये है जूम माइनस जूम, जूम प्लस, जूम टूल जेड पर सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो ये पेन टूल है, ये पी पर सेलेक्ट करा गया। तो अगर आप नहीं जानते हैं कौन सा टूल कहाँ पर सेलेक्ट है, सॉरी किस पर मूव है, तो आप इस तरह से, इस जरिए से आप देख सकते हैं। देखिए आप लेकर आएंगे यहाँ पर, होल्ड रखेंगे थोड़े, रोके रखेंगे तो आपको दिखा देगा। ब्रश टूल बी पर सेलेक्ट है, ठीक है, बी पर मूव है इसका। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस तरह से आप जान सकते हैं आसानी से। अब बात आ जाती है, देखिए कोई भी टूल होगा, कोई सा भी टूल होगा, एग्जाम्पल फॉर ये टूल है हमारे पास, या फिर लसो टूल है, ठीक है, लसो टूल अगर हम यूज़ करेंगे तो इसका खाली एक ही तरह का टूल नहीं है ये, इसी के अंदर ये कई सारे टूल होते हैं। देखिए एक बार, सबसे पहले तो माइनस प्लस में होते हैं, माइनस प्लस, प्लस माइनस दोनों इस तरह से होते हैं सबसे पहले। लेकिन इसके और भी कई सारे, एक तरह से इसके वर्जन होते हैं, यानी कि कई कई प्रकार से काम करता है। देखिए मैं इसको, ये इस समय जो सेलेक्ट है, इस समय जो भी टूल सेलेक्ट है ये, तो इससे क्या कर सकते हैं हम, इसे मैं लेफ़्ट क्लिक से अगर दबाऊंगा, ये देखिएगा, दबा के ड्रैग करूंगा तो ये उस तरह सेलेक्ट करेगा, ये कुछ इस तरह, ठीक है।
इसने एक लेयर सी यानी कि एक सिलेक्शन बना दिया है जिसका हम फाइल करके डुप्लीकेट फाइल बना सकते हैं इस तरह से। देखिए ये हट गया, तो इसका मतलब ये है कि ये अभी माइनस में है। यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो माइनस प्लस दोनों हो जाएगा, देखिए वो भी रहेगा और ये भी है, ठीक है। इन दोनों को लेंगे तो अंदर के दोनों गायब हो जाएंगे, ये देखिए। इसको आप जोड़ना चाहेंगे तो जुड़ जाएगा, यहाँ से जोड़ना चाहेंगे तो जुड़ जाएगा। सेम यही कंडीशन है, इसको मैं कंट्रोल डी करके हटा देता हूँ। टूल्स के बारे में मैंने समझाया है, जो लोग नहीं जानते हैं वो मेरी बेसिक फोटोशॉप की सीरीज जाके देख लें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो लोग कमेंट्स करते हैं जिनको अभी पता नहीं हो, वो जाके प्ले लिस्ट देखें बेसिक फोटोशॉप की, मेरी बहुत बातें समझ में आएंगी। अब उसी तरह से जैसे कि ये टूल, अब हमें इसका ये हमने लासो टूल सेलेक्ट करा, ठीक है। लासो टूल में देखिए और भी कई सारे टूल हैं, ये तो आप इन्हें देख सकते हैं। ये भी जो टूल है पोल लिया गोमस, इतनी इंग्लिश आती नहीं तो उसके लिए सॉरी। इसमें तीन टूल हैं, सबसे पहले लासो टूल, उसके बाद एक और टूल, उसके बाद एक और मैक्टिकल जो भी है ये मैं जानता नहीं। ये है देखिए बीच वाला, इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप इस तरह से कुछ हर बार क्लिक करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर ले जाएंगे तो क्लिक करना पड़ेगा, 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 हर बार आपको नया क्लिक करना पड़ेगा। और लास्ट टाइम जो जहाँ से हमने शुरू करी थी वहाँ पर लाके एक क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से सिलेक्शन हमारा बन जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसे यूज़ में भी ले सकते हैं, ये मैं आपको एग्जाम्पल फॉर बता रहा हूँ। और इसकी जो शॉर्ट की होती है, एग्जाम्पल फॉर मैंने ये लासो टूल सेलेक्ट किया, इसकी शॉर्ट की होती है, मैं यहाँ से ना चेंज करके, ये राइट क्लिक करके चेंज ना करके आप कैसे चेंज कर सकते हैं उसकी, उसका तरीका ये है। आप शिफ्ट को दबा लीजिएगा, शिफ्ट को, और जिस टूल की भी आप चेंज करना चाहते हैं, जिस टूल को भी आप उस टूल का दबाइए, यानी कि जिस पर भी मूव है उसका। एग्जाम्पल फॉर इसका मूव है एल पर, तो मैं एल दबाऊंगा, देखिए चेंज हो गया, फिर से एल दबाऊंगा, शिफ्ट के साथ दबा रहा हूँ, शिफ्ट होल्ड रखा है और फिर दबा रहा हूँ, देखिए फिर चेंज हो गया, फिर चेंज हो गया, जितनी बार दबाएंगे चेंज होता रहेगा। उसी तरह से अभी मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ पेन टूल, ठीक है। तो पेन टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया, पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ अगर मैं पी दबाऊंगा तो देखिए इसके चेंज होगा, ये चेंज हो गया, फिर से चेंज हो गया, फिर से चेंज हो गया, फिर से चेंज हो गया। तो ये इस तरह से कुछ आपको कहाँ पर इसका मूव है, किस चीज़ पर इसका मूव है और कैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं, मैं टूल्स के बारे में आज यही बताना चाहता था आपको। तो आई एम श्योर कि आप समझ पाए होंगे मैंने आपको क्या बताया। सारे टूल्स के बारे में वीडियो मैंने बना रखी है, इस बारे में जो लोग कमेंट्स करते हैं उनके लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आप जो है वीडियो देख लीजिएगा। और यहाँ पर भी मैंने बहुत सही चीज़ बताई है, जैसे कि अभी ये टूल हमने सेलेक्ट किया तो देखिए अभी गोल आ रहा है, ठीक है, गोल आ रहा है। अभी मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ, अब मैं इसको शिफ्ट के साथ अगर एम दबाऊंगा, एम, तो देखिए यहाँ पर चकोर हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस पर, जहाँ पर मेरा सर्कल है वहाँ उसको, यहाँ पर ही चकोर आ रहा है इस समय। अभी शिफ्ट के साथ एम दबाऊंगा तो चेंज हो जाएगा, गोल हो गया। फिर से शिफ्ट के साथ एम दबाऊंगा तो ये फिर से चेंज हो गया, देखिए ये देखिएगा। तो बेसिक फोटोशॉप जिन लोगों ने नहीं देखी है वो देख लें प्लीज़, और कोई अगर आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स पर बता दें, मैं आपकी वीडियो बना दूंगा, आपको अच्छे से समझ आएगी, ओके। तो ये वीडियो कुछ इतनी सी थी छोटी सी, कुछ थोड़ा सा अपडेट देने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।